नमस्कार, मैं हूं आरसी शुक्ल और आप देख रहे हैं आईबीएन 7। अपने देश में एक बड़ा परिवार है, 12 करोड़ लोगों का परिवार, और उस परिवार को गायत्री परिवार कहते हैं। और गायत्री परिवार के जो मुखिया हैं डॉक्टर प्रणव पांड्या जी, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आईबीएन 7 में। डॉक्टर साहब, एक नया परिचय आपका होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है, आपको बधाई दे दूं। बधाई तो मैं कैसे कहूँ, करीब 2-3 दिन पहले की बात है जब नामित किया गया माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही नामित किया गया, तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्य के रूप में जब मेरा नॉमिनेशन हुआ, उस समय मैंने सबसे राय ली, सब सहयोगियों से राय ली। सभी लोग ये चाहते थे कि मिशन का संदेश वहाँ पहुँचे, गायत्री परिवार संस्था का जो संदेश है, विचार क्रांति का संदेश है, वहाँ पहुँचे। और धीरे 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 मेरी समझ में ये आने लगा कि ये शायद मैं वहाँ जाऊँ तो भी नहीं पहुँचा पाऊँगा, क्योंकि वहाँ की स्थिति ऐसी नहीं है। तो मैंने आज फिर डिसीजन फिर से ये लिया है कि मैं शपथ नहीं लूँगा और मैं इस पद को ग्रहण नहीं करूँगा। आप ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं हमें जी जी कि आप राज्यसभा में नहीं जाएंगे। राज्यसभा में नहीं जाऊँगा। आप ये प्रस्ताव ठुकरा रहे हैं? मैं इस प्रस्ताव को इसलिए ठुकरा रहा हूँ कि मैं इसको मॉरली और स्पिरिचुअली मैं सही समझ रहा हूँ। मतलब आप राज्यसभा में नहीं जाएंगे? मैं राज्यसभा में नहीं जाऊँगा। राज्यसभा से दूर रहकर मैं जो काम कर सकता हूँ वो इससे करीब करीब 50 गुना ज़्यादा होगा जी। तो वो ज़्यादा बेटर है कि ये ज़्यादा बेटर है, एक संतुलन की दृष्टि से देखा जाए। मैं बाहर से रहकर ज़्यादा काम कर सकता हूँ। तो राज्यसभा में ना जाने की वजह तो बहुत सारी होंगी, लेकिन सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यह है कि आज जो वातावरण है राज्यसभा का, लोकसभा का, जिसको मैं न्यूज़ में देखता रहता हूँ कई बार। आप राज्यसभा लाइव देख रहे थे? जी जी इससे पहले भी देखता रहा हूँ मैं। जो बोलने का शैली है, बोलने की शैली के साथ साथ जो इनके काम करने का तरीका है, उससे मुझे लगता है कि डिसीजन तो कुछ ले नहीं पाएंगे, मेरी बात कब सुनेंगे जी। और दूसरी बात यह कि मैं शासन का प्रलोभन स्वीकार करके मैं वहाँ जाऊँ, उससे बेहतर ये है कि मेरे जो करोड़ों परिजन हैं, भावनाशील परिजन हैं, उनकी बात सुनूं। तो मेरे को 3 दिन लगे करोड़ों परिजनों की भावना जानने में, और मुझे ये पता चला कि करीब 80% लोग मेरे इस निर्णय से सहमत नहीं है। तो मैंने फिर आज निर्णय ये लिया कि इसको विड्रॉ करना चाहिए, और मैं नम्रतापूर्वक माननीय राष्ट्रपति जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्र सेवा में ये मिशन लगा हुआ है, लगा रहेगा, कहीं किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी, पर मैं राज्यसभा में रहकर नहीं करूँगा, मैं बाहर रहकर करूँगा। तो ये फैसला आपने बस थोड़ी देर पहले लिया है? अभी आज तुरंत 2 घंटे पहले। मतलब आईबीएन 7 पर पहली बार आप ये कह रहे हैं कि आप राज्यसभा में नहीं जाएंगे? जी, मैं नहीं जाऊँगा, ये आखिरी फैसला? जी जी जी। ये इसका प्रोसेस कब से शुरू हुआ था, कब आपसे पहली बार किसने बात की थी? प्रोसेस हमारे जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे पहली बार जब मैं दिल्ली में था उसी दिन मुझे बुलाया। तो मैं चूंकि दिल्ली में था, एक आदमी बड़ी सौम्यता के भाव से बुला रहे हैं कि हमारे ऑफिस में आ जाइए, हमें घर आ जाइए। अमित शाह जी ने बुलाया? अमित शाह जी, उनके घर आ गया। घर आने के बाद उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की, तो मैं उनको डिनाई करके आ गया, मैं मना करके आ गया कि मैं नहीं आ पाऊँगा। अच्छा, ये उसी समय आपने? उसी समय मैंने कह दिया था, ये 17 अप्रैल की बात है। और मैंने ये सारी बातें बता भी दी थी कि मेरे ना आने का कारण क्या है। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे यहाँ की जो हमारी समिति है, कार्यकारिणी समिति, उनसे भी शांति कुंज की जो मेरे सहयोगी कार्यकर्ता हैं, जो मुझे सहयोग देते आ रहे हैं पिछले 40 साल से, उन लोगों की भी एक मैंने मीटिंग कराई। और मीटिंग कराने के बाद फिर मैंने उनसे कहा आप बात कर लीजिए अमित जी से, अमित जी स्वयं बात करना चाहते हैं आपसे। तो वो एक स्पीकर फोन पर बातचीत हुई। तो अमित शाह जी ने आपसे बात करने के बाद शांति कुंज के कार्यकर्ताओं से बातचीत की जी, और उन्होंने क्योंकि आपने मना कर दिया था, क्योंकि मैंने मना कर दिया जी, इसलिए उन्होंने बात। तो फिर ये अल्टीमेटली ये तय हुआ कि मुझे नहीं जाना है, मुझे अंततः नहीं जाना है। ये उसी मीटिंग में तय हो गया, उसी में जब हमने अपने संदेश के दिया। उसके बाद शांति रही थोड़े दिन, फिर मेरे पास संदेश आया बार बार कि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं ऐसा कि मैं आऊँ। अगर पढ़े लिखे लोग आ रहे सब नहीं आएंगे लोकसभा में, राज्यसभा में, तो कौन आएंगे? चुने नहीं जा सकते, इलेक्शन नहीं कर, में खड़े नहीं होते हो सकते डॉक्टर साहब। तो हम नामित तो कर सकते हैं, नॉमिनेट तो कर सकते हैं, हम तो सम्मानित कर रहे हैं उनको, ऐसा कहकर मुझे बताया गया। तो ये 4 तारीख की बात है, 4 तारीख की शाम को मैं पहाड़ पर गया हुआ था, हिमालय। अच्छा। उत्पालटा करके जगह है, वहाँ मैंने
नारी जागरण के लिए, नारी स्वावलंबन के लिए एक सेंटर था, उसका उद्घाटन किया और वहाँ करीब से 400 करघे लगाने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी। तो वहाँ से मैं उतर रहा था नीचे, मुझे रास्ते में मैसेज मिला होम सेक्रेटरी की तरफ से कि आपको नामित कर दिया गया है, यू हैव बीन नॉमिनेटेड एंड काइंडली कलेक्ट टू सर्टिफिकेट एंड दिस एंड दिस एंड एवरी ऑल जितनी भी उनकी फॉर्मल लैंग्वेजेस होती जी, है पूरी जी, जी। तो मैंने कहा मैं रास्ते में हूँ अभी, अब आवाज़ बार बार कटती है, मैं शांति कुंज पहुँच कर आपको बात करता हूँ। फिर शांति कुंज पहुँचा, मैं बात की 5-4 तारीख को, मैंने 5 और 6 को ये प्रोसेस हुई जी। जब मैं यहाँ आया तो यहाँ मीडिया पूरा वेट कर रहा था मेरा, यहाँ का लोकल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया। मैंने उनको बताया कि मैंने उनके प्रधानमंत्री के कहने पर मैंने एक्सेप्ट कर लिया है और मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद मैं वहाँ जाकर विचार क्रांति का उद्घोष कर सकूँगा, हम बदलेंगे वो बदलेगा की बात कह सकूँगा। किसी भी पत्रकार ने ये नहीं पूछा कि आप इतने ऐसे वातावरण में कैसे करेंगे, परंतु बहुत सहज रूप में ये बात जो है 5 तारीख को हो गई, 4 तारीख को हो गई। 5 तारीख को ये न्यूज़ पूरे भारत में प्रसारित हुई, 6 तारीख को, आज 6 तारीख है शायद जी, आज 6 तारीख है, तो बस कल का ही दिन था, दिन भर ये मंथन चलता रहा। और फिर मंथन में बार बार ये चिंतन आया कि राय ली जाए थोड़ी सबसे, तो मैंने कुछ फुटकर में करीब करीब 1000 के करीब फ़ोन किए। अच्छा, ट्वीट्स लिए मैंने लोगों के, तो ये समझ में आया कि लोगों को ये पसंद नहीं आया है डिसीजन। लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि सम्मान बड़ा है, लोग ये समझ रहे हैं कि जो सम्मान पूर्वक आपके चरणों में बैठते थे आप उनके समीप जाके बैठ रहे हैं जी, ये गलत जी, जी। ऐसा ना हो तो अच्छा, ये बड़ा सवाल है। तो फिर उस बात को स्वीकार करते हुए मैंने आज ही डिसीजन लिया सवेरे ही जी, इस बात को मैं यहीं तक रख कर, अभी चूंकि मैंने शपथ नहीं ली है जी, जी। मैं डिनाई करता हूँ, सम्मान पूर्वक डिनाई करता हूँ। माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, दोनों को मैं मना लिख रहा हूँ, पत्र लिख रहा हूँ। तो गुरु जी, जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यहाँ बैठ करके जब आप बोलेंगे तो शायद आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन आपको वहाँ पर जो कोलाहल है और जिस तरीके से वहाँ पर बहस होती है शायद वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा आपको। लेकिन ये मेरा भी मानना है कि जो अध्यात्म की बात है, जो आपसे जुड़े हुए लोगों की बात है, ऐसा नहीं कि अगर आप वहाँ बोलते तो आवाज़ ज़्यादा दूर तक जाती? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता जी। थोड़ा धर्म और अध्यात्म में अंतर है जी। धर्म के लोग वहाँ संसद में बैठे हुए हैं और वो धार्मिक आधार पर सारा का सारा अपना विवेचन करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। कई बार उनके वहाँ बोलने से बाहर जो है वो बड़ा वैमनस्य पैदा हो जाता है, लड़ाइयाँ पैदा हो जाती हैं। अध्यात्म जो है वो जीवन जीने की कला है जी। अध्यात्म जीवन में अच्छाइयों को उतारने की विधा है। तो मेरा ऐसा सोचना है कि ये शायद मैं वहाँ जाकर नहीं कर पाता, क्योंकि ये लोग राज्यसभा टेलीविजन देखते ही नहीं है जी। जो अब जो देखते ही नहीं है तो उनके पास आवाज़ कैसे पहुँचेगी? और शायद देखें तो ज़्यादा गलत इंप्रेशन पड़ जाए, देखने और गलत इंप्रेशन पड़ जाए कि मैं वहाँ बैठा हूँ, मैं उनके बीच में बैठा हूँ जी, जहाँ नहीं होना चाहिए मुझे। ये देख करके शायद उनके दिमाग में एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़े, इसलिए मैंने सोचा कि अभी तो बेटी बाप की है मैं अभी विदा नहीं हुई है, अभी विदा नहीं हुई है, तो अभी मैं अपने आप को वापस विड्रॉ कर लेता हूँ। अभी मुश्किल से 24 घंटे की बात है बस। वैसे राजनीति में स्तर गिरता जा रहा है, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, वो किस स्तर तक जाएगा? क्या है, नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे आदमी है, मैं व्यक्तिगत रूप से उनका प्रशंसक हूँ। मेरे करीब उनसे 3 साल से संबंध है, शायद यही संबंध मेरे 30 साल से, मैं जब वो प्रधानमंत्री से 30 साल से, हाँ, तो उत्तराखंड में वो संघ के प्रचारक थे। अच्छा। तब से मैं उन्हें जानता हूँ और बड़े अच्छी मित्रतापूर्ण संबंध है। शायद यही सोच के उन्होंने मुझे मांगा होगा कि ये राज्यसभा के लिए ले लो इनको। पर मैं सोचता हूँ कि आज की परिस्थितियाँ ऐसी नहीं हैं कि राज्यसभा में जाकर बैठा जाए और बैठ करके अपनी बात कही जाए, मुझे मौका नहीं मिलेगा। मैं एक बात समझने में आई मुझे कि जिन डिस्प्यूट्स में, चर्चा में, बहस में समय बर्बाद हो रहा है वो मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। शायद 3, 4 या 5 सेशन निकल जाए और मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊँ, क्योंकि वो उस विषय पे आएंगे ही नहीं लेकिन आपने जिसको वापस किया है, जिसको ठुकराया है, उस पद को पाने के लिए दिल्ली में लाइन लगी हुई है, धक्का मुक्की हो रही है लोगों में, लगे रहती जी अब वो लोग आपस में बहस करें कि भी किसको जाना है जी। आप तो नहीं जा रहे? मैं नहीं जा रहा आपने अभी थोड़ी देर पहले बातचीत में बता रहे थे कि आपने अमित शाह को एक चौपाई सुनाई थी जी। क्या था वो? मैंने एक्चुअली क्या है कि
उस ज़माने में फतेह सिंह फतेह फतेह फतेहपुर सीकरी वो होती थी, राजधानी हुआ करती थी अकबर के ज़माने में। उनके अकबर के मंत्री थे नवरत्न जो थे, उनमें एक अब्दुल रहीम खान खाना। तो अब्दुल रहीम खान खाना की मित्रता बहुत थी, क्योंकि वे आध्यात्मिक थे, इस्लामी सभ्यता के बहुत अच्छे विद्वान थे। उनके मित्र थे तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी किसी गरीब की मदद करने के लिए उनके पास भेज देते थे पैसे के लिए। किसी लड़की की शादी होनी, किसी विधवा की शादी होनी, किसी गरीब की शादी होनी, तो उन्होंने कहा बार बार आप किसी को भेजो, इसके बजाय ये कि एक बार आप आ जाओ मेरे पास, मैं आपको जितनी राशि आपको चाहिए सब देने को तैयार हूँ, आप यहाँ आ जाओ। तो उन्होंने एक चौपाई लिखी तुलसीदास जी ने, वो जो आज भी प्रसिद्ध है, सब लोग उसको कहते हैं, तुलसी को कहाँ, तुलसी को कहाँ सीकरी सो काम। तो तुलसी को सीकरी से क्या मतलब? अब मैं जैसे सीकरी मतलब संपदा, सीकरी यानी वो नगरी, वो आध्यात्मिक राजधानी। जैसे मैं अपने लिए इसको अप्लाई करूँ तो प्रणव पंड्या को कहाँ नई दिल्ली से काम, राज्यसभा से काम। तो तुलसी को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी। आने जाने में हमारी चप्पल टूट गई, हमारे जूते टूट गए, सब टूट गए, बिसर गयो हरि नाम। हर भगवान का नाम भी बिसर गया और ये भी हो गया। आने जाने में चक्कर होगा। आप तो जब हम जिसको चिट्ठी लिखा करें आप दे दिया करो, नहीं देना तो मना कर दिया करो, उसमें क्या दिक्कत है, सिंपल सी बात है। ये तुलसीदास जी ने मैसेज भेजा था और वो तुलसीदास जी का मैसेज आज भी उतना ही शाश्वत है। तो आपने इनकार किया राज्यसभा। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि राज्यसभा में जाने वाले तो हर साल बहुत सारे लोग जाते हैं, कुछ लोग पार्टियों से जाते हैं, कुछ लोग मनोनीत होते हैं, लेकिन शायद ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने राज्यसभा का पद ठुकराया होगा। चलिए, मैं बड़े सम्मान के साथ मानता हूँ कि मेरे लिए राष्ट्रपति जी ने और प्रधानमंत्री जी ने ऐसा सोचा, और मेरे अंदर कुछ योग्यता देखी कि मैं वैज्ञानिक अध्यात्मवाद से लेकर के और राष्ट्र सेवा के जितने प्रकल्प हैं उनमें इन्वॉल्व हूँ, मेरे पीछे जनता चलती है, मेरे पीछे बहुत बड़ा एक वर्ग है। तो उन्होंने ये सोच करके देख करके मुझे उन्होंने उधर लिया। मैं ये ऐसा मानता हूँ, बाकी और कोई रीज़न भी हो सकते हैं, पर मैं इस रीज़न को मानता हूँ कि ऐसा मान करके उन्होंने क्वालिटीज़ की दृष्टि से, क्योंकि उन्होंने 3-4 हफ्ते तक बराबर प्रेशराइज़ किया है, इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं उनके मन में भावना रही है। मैं उनको इस काम के लिए कि मैं वापस ले रहा हूँ क्षमा भी मांगता हूँ, और ये भी कहता हूँ कि ये इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी आंतरिक अंतरात्मा मेरे से बार बार प्रश्न पूछ रही है कि आपने डिसीजन लिया था ये गलत है या सही है। मुझे ऐसा लगता है गलत है। अब सही डिसीजन है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी बोल चुका हूँ, हाउस ऑफ जो उनका कॉमन से उसमें बोल चुका हूँ, मैं तो कई जगह बोल चुका हूँ, और मुझे किसी तरह की कोई लालच नहीं था कि इनके बीच में, तो वहाँ उनके बीच में रहना, उनके बीच में जो 8 घंटे 9 घंटे सुनना, उनकी बहस को सुनना, यह अब मेरे बस की बात नहीं है। मैं सोचता हूँ कि ऐसा काम करेंगे, करके दिखाएंगे आने वाले 3 वर्षों में, जो जो दिखाई पड़ेगा कि ये काम डॉक्टर साहब इसलिए कर सके क्योंकि उन्होंने वहाँ से छुट्टी ले ली। अच्छा, और वो काम क्या क्या है आपकी प्रायोरिटी पर? मेरी प्रायोरिटी पर सबसे पहले गंगा है, गंगा शुद्धि अभियान। मैंने इसके लिए 2525 किलोमीटर की गंगा है उसको 5 भागों में बांटा है, 505 के। आप ये काम लगातार कर भी रहे हैं पहले से? मैं पहले से भी कर रहा था जी जी। मंदिरों की सफाई, तटों की सफाई, हरित सरोवर। मुझे याद है 2011 में जब आपने प्रोग्राम किया था, उस समय भी मैं आया था आपके पास रहने का अवसर मुझे मिला था, उस समय भी आपका इंटरव्यू किया था मैंने। तो आपने पूरे हरिद्वार को एक तरीके से चमका दिया था। जी जी। नहीं, ये जो स्वयंसेवक हैं हमारे, ये बड़े डिवोटेड हैं, डेडिकेटेड हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे काम करते हैं, पर जब यहाँ आते हैं तो भूल जाते हैं पोस्ट को अपनी, और वो एक गायत्री के प्रति श्रद्धा, गुरुजी माता के प्रति श्रद्धा, हमारे और जीजी के प्रति श्रद्धा को आधार मान करके काम करते हैं। श्रद्धा में बड़ा बल होता है। एक तो श्रद्धा की शक्ति को अगर एक बार सरकार समझ ले तो वो श्रद्धा के माध्यम से बहुत बड़ा काम करा सकती है। आप भारत माता के प्रति श्रद्धा पैदा करिए, आप सत्प्रवृत्तियों के प्रति, आदर्शों के प्रति, श्रेष्ठता के प्रति आदर्श श्रद्धा पैदा करिए। आज तो हमारे श्रद्धा के केंद्र बिंदु हमारे भ्रष्ट लोग होते चले जा रहे हैं। उसी श्रद्धा को, लोगों की भक्ति को, लोगों की श्रद्धा को आप चैनलाइज करना चाहते हैं देश के विकास के लिए। हमने चैनलाइज किया जी, और हमको सफलता मिली है। तो हमारा ये 10 वर्ष का अभियान है, 2015 से 2026 तक। इसमें हम गंगा सागर तक, गंगा की 31 ट्रिब्यूटरीज हैं, उन ट्रिब्यूटरीज की भी और ट्रिब्यूटरीज हैं जो उनमें जो मिलती हैं, जिसमें बागमती भी आती है, इधर से यमुना आती है और चंबल आती है, बेतवा आती है,
इन सब का, और ऊपर से कोसी और जितनी रिवर आती हैं, इन सब की सफाई और एक एक जागृति का स्वरूप बनाएंगे हम, पूरा जन जागृति का। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी 3 स्टेप्स उठा लिए हैं, प्रज्ञा मंडल बना दिए, गंगा प्रज्ञा मंडल बना दिए हैं, और लोग काम करना चालू कर चुके हैं। बायोडाइजेस्टर्स के टॉयलेट हम लोग जगह जगह बनाएंगे कि भाई इनको यूज़ करो। बायोडाइजेस्टर में एक रिस्क कम है, जो कि सुलभ शौचालय में ज़्यादा होती है कि उसमें वो डायरेक्ट जाता है मटेरियल, पर इसमें जो है पूरा के पूरा डाइजेस्ट कर देता है वो बैक्टीरिया, और ये हमको DRDO की तरफ से हमको निःशुल्क मिल रहा है पूरी तरह से। मैं समझता हूँ कि ये हम एक बहुत बड़ी सेवा करेंगे, जिसको मोदी जी बार बार कहते हैं स्वच्छता अभियान के लिए शौचालय बनाओ। तो ये जो शौचालय हैं, पब्लिक शौचालय होंगे, और इससे लोग जो है गंदगी से बचेंगे। मैं समझता हूँ नित्य नैमित्तिक जो साधना है मेरी, नियमित रूप से जो मैं करता हूँ, और स्पेशली गायत्री साधना जो मैं करता हूँ, जो सद्बुद्धि देती है, उसी का ही प्रभाव है, क्योंकि सद्बुद्धि मिल रही है मुझे। अब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? सद्बुद्धि का प्रभाव है कि मैंने डिसीजन ले लिया, और डिसीजन लेके तुरंत आपके सामने ही मैंने कह दिया कि मैं बाइक देने के लिए तैयार हूँ, और मैं कहने के लिए तैयार हूँ, ऑन एयर कहने को तैयार हूँ, और तो आपके सामने मैंने ट्वीट भी किया, सभी जगह तुरंत चला गया। तो ये मैं समझता हूँ कि पिछले दो घंटे तीन घंटे के अंदर ये फैसला लिया कि राज्यसभा नहीं जाना, राज्यसभा नहीं जाना। डॉक्टर प्रणव पांडे को राज्यसभा से क्या काम है? क्या काम? डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया, आपने इतनी अच्छी बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।